गुग्गू शहर में एक अनोखी घटना सामने आई है। गुग्गू शहर के नागरिकों की सतर्कता और जागरूकता से एक अपहरण हुआ बालक मिल पाया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शहर के जागरूक नागरिकों के सामने अपहरणकर्ता की हौसले पस्त हो गए और अपहरण किया बालक को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह मामला 3 नवंबर शाम करीब 5 बजे का है। गुग्गुस बैंक ऑफ इंडिया के पास सन्नी खारकर के सुपुत्र वीर खारकर को अपहरण कर लिया गया था। आपके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें नागपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और मैं आपको ले जाने आया हूँ, ऐसा कहकर अपहरणकर्ता ने बहला फुसला कर बालक का अपहरण कर लिया। बालक के अपहरण होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और नागरिकों द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक पे बालक की मिसिंग पोस्ट फैलने लगी। देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वायरल होने की खबर अपहरणकर्ता तक पहुंच गई, जिससे अपहरणकर्ता के हौसले पस्त हो गए और बालक को अपहरण करने का इरादा छोड़ बालक को नागपुर के पास सोनेगांव मेट्रो स्टेशन के नजदीक छोड़ भाग निकला। वहीं सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे महिला की मदद से अपहरण हुआ बालक अपने घर वालों से संपर्क कर पाया और पास के पुलिस स्टेशन जा पाया। 4 नवंबर दोपहर 1 बजे के करीब बालक अपने घर पहुंच पाया। अपहरण हुआ बालक मिलने से घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरती उतार कर बालक का स्वागत किया गया। बालक की घर वापसी का पूरा श्रेय गुग्गुस के जागरूक नागरिकों को जाता है। गुग्गुस नागरिकों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक अपहरण हुए बच्चे को सफलतापूर्वक घर वापसी कर पाए। वही अभी तक पुलिस अज्ञात अपहरणकर्ता पकड़ने में असफल रही है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया है।